नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मिश्रा सामाजिक क्षेत्र केंद्र दिव्यांगजन लखनऊ से। दोस्तों, कोरोना वैश्विक महामारी जो कि पूरे विश्व में और हमारे देश में अपने पैर पसार चुकी है, कोरोना वैश्विक महामारी जो कि जिसका फैलने का माध्यम स्पर्श है, मतलब स्पर्श, एक दूसरे को स्पर्श करने से ये महामारी या इसका विषाणु एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है और यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसको देखते हुए हम सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, एक दूसरे से दूरियां बनाए हुए हैं, लेकिन ऐसे समय में एक ऐसा तबका जिसे हम लोग दृष्टि दिव्यांगजन बोलते हैं, दृष्टि दिव्यांगजन हमें कहीं भी रोड या कहीं भी यदि खड़ा मिलता है और उसके हाथ में छड़ी है, वो रोड क्रॉस करना चाहता है या किसी सहायता को सहायता चाहता है किसी व्यक्ति से, तो हम लोग इस समय उसकी सहायता इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम लोगों को डर लग रहा है कि कहीं ये वायरस हमारे अंदर ना आ जाए या स्पर्श करने से ये ना फैले, हमारे अंदर ना आए। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, लेकिन हम लोग दृष्टि दिव्यांगजन को स्पर्श किए बिना उसकी सहायता कर सकते हैं, उसको रोड क्रॉस करा सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं एक प्रैक्टिकल देकर एक कि किस तरीके से हम लोग दृष्टि दिव्यांगजन को रोड क्रॉस करा सकते हैं बिना स्पर्श किए हुए। आइए चलते हैं। हमारे साथ एक डेमो के रूप में एक दृष्टि दिव्यांगजन सामने है और मैं इन्हें कैसे आवाज के माध्यम से रोड क्रॉस कराता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मुझे उनसे पूछना है कि आपको क्या कोई सहायता चाहिए है, आपको रोड क्रॉस करना है। अगर वो बोलते हैं कि हाँ मुझे सहायता चाहिए, मुझे रोड क्रॉस करना है, तो सबसे पहले मैं रोड के बीच में आऊँगा और दोनों तरफ से ट्रैफिक को रोक लूँगा। अगर ट्रैफिक दोनों तरफ से आ रहा है तो दोनों तरफ से रोक लूँगा, वरना लेफ्ट साइड बाई तरफ से आते हुए ट्रैफिक को मैं रोक लूँगा जिससे कि ट्रैफिक अपनी जगह पर रुक जाएगा। अब मैं क्या बोलूँगा, जो सामने दृष्टि दिव्यांगजन है मैं इनको बताऊँगा कि मैं ताली बजाऊँगा या मैं आवाज़ दूंगा, उसी डायरेक्शन में आपको आना है। इस तरीके से मैं ताली बजा रहा हूं, आपको ताली के डायरेक्शन में आना है। ओके, देखिए एक सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए हमने क्या किया कि एक दृष्टि दिव्यांगजन को रोड क्रॉस करा दिया, और वो कैसे, आवाज के माध्यम से। ऐसे ही हम लोग अगर हमें कहीं भी कोई दृष्टि दिव्यांगजन सहायता के लिए मिलता है और उसे रोड क्रॉस करनी है तो हम लोग आवाज के माध्यम से उसे रोड क्रॉस करा सकते हैं। मैंने बताया एक सबसे पहली स्टेप ये ध्यान रखना है कि आपको ट्रैफिक को रोकना है, जैसे ट्रैफिक पुलिस रोकती है उसी तरीके से आप ट्रैफिक को रोक लेंगे। लेफ्ट से आ रहा है तो लेफ्ट से, राइट से आ रहा है तो, अगर दोनों तरफ से आ रहा है तो दोनों हाथ करके। उसके बाद में दूसरे किनारे पर जाना है या रोड के बीच में भी रह सकते हैं और आपको ताली बजाना है या कोई साउंड करना है जिस साउंड को वो दृष्टि दिव्यांगजन फॉलो कर सके और उसी की सहायता, उस आवाज को फॉलो करते हुए दृष्टि दिव्यांगजन आसानी से रोड क्रॉस कर सकता है। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि कभी भी दृष्टि दिव्यांगजन आपको मिलता है तो इस तरीके से आप सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए उसकी सहायता कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।